जय हिंद बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, मस्ती से होंगे। कुछ ज़्यादा ही पढ़ाई करने को मिलता होगा क्योंकि आप लोगों का अब कॉलेज खुल गया है, तो आप लोग कॉलेज भी जाते होंगे, ठीक ना। आई नो, मेरे को पता है कि कॉलेज जाना अब कंपलसरी है क्योंकि अब एजुकेशन सिस्टम में कुछ बदलाव आया है, ठीक ना। और उम्मीद करता हूँ कि ये एजुकेशन सिस्टम में जो बदलाव आया है ये कंटिन्यूसली इसी तरह चले, राइट। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में, आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं क्लास एलेवेंथ का फिजिक्स। क्लास एलेवेंथ में आपका एक अच्छा खासा चैप्टर है जिसका नाम है रोटेशनल मोशन। क्या है? रोटेशनल मोशन, नाम से ही पता चल रहा होगा, रोटेशनल मोशन। और रोटेशनल मोशन के अंदर हम पढ़ने वाले हैं टॉर्क। क्या पढ़ेंगे? टॉर्क पढ़ेंगे। टॉर्क का दूसर का नाम है मोमेंट ऑफ फोर्स या फिर टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, है ना, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। तीन नाम है टॉर्क का, तीन नाम है, आप किसी नाम से बुला सकते हैं, है ना। तो आज के इस वीडियो में हम टॉर्क के बारे में पढ़ेंगे। टॉर्क कौन सा क्वांटिटी है, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क का एप्लीकेशन भी देखेंगे, ठीक ना, और तीन चार फॉर्मूला भी देख लेंगे टॉर्क के बारे में। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं भाई, टॉर्क जो मैं बता रहा हूँ, टॉर्क का एग्जांपल मैं आपको ऐसा ऐसा डोमेस्टिक एग्जांपल दूंगा आपके आसपास वाला, मैं आपको एक फील करवाऊंगा यार कि सही में जो हम पढ़ते हैं हमारे आसपास ऐसा होता है, बिल्कुल होता है। आप दरवाज़ा को बंद करते हैं, खोलते हैं, भाई क्या है? टॉर्क है। चापाकल से पानी निकालते हैं टॉर्क के कारण। ढेर सारी एग्जांपल देंगे, टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं टॉर्क क्या है। एक्चुअली में टॉर्क का डिफिनीशन क्या है, एक शॉर्ट डिफिनीशन हम आपको बता रहे हैं। देखिए, टॉर्क, टॉर्क को टाउ से डिनोट किया जाता है, टाउ। इसे क्या कहेंगे? टाउ, टी ए यू, टाउ। अब देखिए इसका डिफिनीशन बहुत सिंपल है, द रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। समझ में आई बात? द रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क या फिर मोमेंट ऑफ फोर्स या फिर टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। अब देखिए, पहली चीज, विदाउट फोर्स टॉर्क होगा नहीं। अगर आप फोर्स लगा रहे हैं तभी टॉर्क जेनरेट होगा। अब एग्जांपल पर आते हैं, टॉर्क का डिफिनीशन आपने पढ़ लिया, अब हम आपको समझाते हैं। जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो उस ऑब्जेक्ट में अगर टर्निंग आ रही है, वो ऑब्जेक्ट रोटेट हो रहा है, तब हम बोलेंगे टॉर्क बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टॉर्क बोलेंगे। समझ में आई बात? नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, ढेर सारा एग्जांपल है ना, करवाते हैं आपको। फिर से समझो, जब आप किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं, है ना, लेट अस सपोज ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, हमने क्या लगाया, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। हमने क्या कहा? जब आप किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं, देखो जब हम ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट टर्निंग करने लगता है, उस ऑब्जेक्ट में टर्निंग आ जाती है, वो ऑब्जेक्ट टर्न होने लगता है, उसी को हम क्या कहेंगे? टॉर्क कहेंगे। क्या कहेंगे? टॉर्क कहेंगे। देखो रोटेट हो रहा है ना, जब हम फोर्स लगाते हैं तो ये मार्कर रोटेट हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे? टॉर्क कहेंगे। वैसे भी हम आपको ढेर सारे एग्जांपल करवाने वाले हैं, आइए टॉर्क का एग्जांपल देखते हैं, डोमेस्टिक एग्जांपल। पहला एग्जांपल है आपका डोर। अब देखिए ये क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये भी आपका क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशन। जब कभी आप कमरे में प्रवेश करते हैं तो आप डोर पर फोर्स लगाते हैं, जब आप डोर पर फोर्स लगाते हैं तो डोर रोटेट होने लगता है, दरवाज़ा में टर्निंग आ जाती है, जिसे क्या कहेंगे? टॉर्क कहेंगे। टॉर्क की वजह से आप दरवाज़ा को खोलते हैं और बंद करते हैं।
समझ में आई बात? जब आप दरवाज़ा पर फोर्स लगाते हैं तो दरवाज़ा घूमने लगता है भाई, रोटेट करने लगता है, दरवाज़ा में टर्निंग आ जाती है। रोटेट कर रहा है ना, रोटेट करेगा, क्या करेगा, रोटेट करेगा, तो हम क्या कहेंगे, टॉर्क कहेंगे। और टॉर्क की वजह से ही आप दरवाज़ा को बंद करते हैं और खोलते हैं। ओके, दूसरा का एग्जांपल लेते हैं, कार व्हील, गाड़ी का चक्का। यहाँ पर देखिए, ये क्या है, गाड़ी का चक्का है, राइट। अब एक चीज़ बताइए, ये क्या है, नट है। अब हम क्या करेंगे, इस गाड़ी के चक्का को खोलना है तो क्या करना पड़ेगा भाई, आपको रिंच लाना पड़ेगा। तो उसके लिए भी मैं जुगाड़ करके लाया हूँ, देखो ये क्या है भाई, रिंच है, देखो है ना, ये क्या है, रिंच है। अब देखो, इस कार से चक्का को खोलना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये क्या है, नट है। अब हम क्या करेंगे, ऐसे इसको लगा देंगे, हम नीचे करेंगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे या फिर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, तो क्या होगा, ये नट रोटेट करने लगेगा, क्या करने लगेगा, रोटेट करने लगेगा, नट में टर्निंग आ जाएगी, तब जाकर ये खुलेगा। इसका मतलब गाड़ी का चक्का खोलने में हमें टॉर्क लगाना पड़ता है, हम टॉर्क अप्लाई करते हैं तभी जाकर गाड़ी का चक्का खुल पाता है ना। ये नट है और हम क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे अपवर्ड डायरेक्शन में या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तभी जाकर ये नट कसाएगा या फिर खुलेगा, है कि नहीं। चलिए यहाँ पर अब देखिए तीसरा का एग्जांपल क्या है, हैंडपम्प। हैंडपम्प का मतलब क्या होता है भाई, चापाकल। तो चापाकल से आप जब पानी निकालते हैं ना, तो टॉर्क की वजह से निकालते हैं। देखिए ये है इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है। आपने यहाँ पर फोर्स लगाया, आपने यहाँ पर फोर्स लगाया, जब आप यहाँ पर फोर्स लगाते हैं तो ये हैंडल आ जाता है, यहाँ पर आ जाता है ना, जब आप यहाँ पर फोर्स लगाइएगा तो ये हैंडल यहाँ पर आ जाएगा। इसका मतलब जब यहाँ से ये यहाँ आएगा तो आपने क्या लगाया, फोर्स लगाया। जब आप फोर्स लगाते हैं तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यहाँ से रोटेट होता है, क्या होता है, रोटेट होता है। तो रोटेट जब होता है तो चापाकल से पानी निकल जाता है कि नहीं। तो जब आप फोर्स लगाते हैं, जब आप एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, तो यहाँ पर देखिए ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, यहाँ से रोटेट कर गया, जब रोटेट करेगा तो चापाकल से पानी निकलेगा, है ना। तो चापाकल से पानी जब आप निकालते हैं, किसकी वजह से, टॉर्क की वजह से, मोमेंट ऑफ फोर्स की वजह से। ओके, ये देखिए ग्रास मशीन, चारा मशीन है ना, ये क्या है, चारा मशीन। अब ये देखिए ये क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। यहाँ देखिए कत्ता लगा हुआ है, अब ये देखिए डंडा होता है, क्या होता है, डंडा होता है ना, ऐसे क्या करते हैं आप, पकड़ते हैं, और पकड़ कर क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं। जब आप फोर्स लगाते हैं तो ये मशीन चलने लगता है, ये मशीन घूमने लगता है, जब घूमने लगेगा तो घास कट जाएगा, है कि नहीं। तो जब आप एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो ये मशीन घूमने लगता है, इस मशीन में टर्निंग आ जाती है, ये मशीन रोटेट करने लगता है ना। तो हम क्या कहेंगे, टॉर्क की वजह से ही हम चारा मशीन से घास काटते हैं, समझ में आई बात, गुड। आइए ये देखिए पांचवा एग्जांपल, ये क्या है, पॉटर्स व्हील, आई एम ऑल्सो पॉटर। देखिए ये पॉटर्स व्हील, कुम्हार का चक्का, समझ रहे हैं, ये क्या होता है, कुम्हार का चक्का, जो दीप वगैरह बनाते हैं ना, दीप वगैरह, इसी पर बनाया जाता है भाई। ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अब क्या करता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया, और यहाँ देखिए परिधि के पास एक छोटा सा गड्ढा होता है, और जो दीप वगैरह बनाते हैं ना, उसे क्या करेंगे, यहाँ पर फंसाएंगे और ऐसे ऐसे घुर 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 क्या करेंगे, नचाएंगे, क्या करेंगे, यहाँ पर फोर्स लगाएंगे। जब फोर्स लगाएंगे तो ये चक्का क्या होगा, नाचने लगेगा, क्या होगा, ये चक्का नाचने लगेगा, है ना, ये चक्का नाचने लगेगा, घूमने लगेगा, टर्निंग होगी इस चक्का में, ठीक ना। तो यहाँ पर जो पॉटर व्हील है, ये जो घुमाता है, इसमें फोर्स लगाता है, और फोर्स जब लगाता है तो ये टर्निंग होने लगता है, इसमें रोटेशन आ जाती है ना। तो हम कह सकते हैं पॉटर व्हील जो है, जब हम फोर्स लगाते हैं तो ये रोटेट करने लगता है, तो टॉर्क की वजह से ये रोटेट करने लगता है, सिंपल वे में आप समझ सकते हो।
यहाँ पर देखो भाई, ये क्या है बॉटल। कई बार आप थम्सअप पीते हैं, स्प्राइट पीते हैं, मैंगो पीते हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि हम ढक्कन जो खोलते हैं किसकी वजह से, जब आप ढक्कन खोलते हैं थम्सअप का ढक्कन खोलते हैं, स्प्राइट का ढक्कन खोलते हैं, मैंगो का, माजा का, जब आप ढक्कन खोलते हैं तो टॉर्क की वजह से, किसकी वजह से, टॉर्क की वजह से। देखो ये मेरे पास क्या है, बॉटल है, क्या है, ड्रिंकिंग वाटर, सॉरी बॉटल है। अब हम क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे। देखो फोर्स लगाए, जैसे ही हमने फोर्स लगाया ये रोटेट करने लगा, जब रोटेट किया तो खुल गया, और फिर हम क्या करेंगे, कस देंगे। तो जब आप किसी बॉटल के ढक्कन को खोलते हैं या फिर बंद करते हैं टॉर्क की वजह से, टॉर्क के कारण ही आप बॉटल के ढक्कन को खोलते हैं और बंद करते हैं, ठीक ना। अच्छा और एग्जांपल है, एक और एग्जांपल है, ये देखो क्या है, पेचकस है, क्या है, पेचकस है। अब यहाँ पर देखो ये क्या है, पेचकस है, ये क्या है भाई, पेचकस है। आप कभी सोचे हैं ये जो गत्ता मोटा होता है क्यों होता है, ये गत्ता है ना ये प्लास्टिक का क्यों होता है। तो टॉर्क की वजह से ही हम क्या करते हैं, पेच को कसते हैं और खोलते हैं। तो ढेर सारा एग्जांपल यहाँ पर है, ठीक ना। तो आई होप कि आपने टॉर्क का एग्जांपल से आपने टॉर्क को समझ लिया होगा। हर एक जगह अप्लाई होता है टॉर्क, हर एक जगह नहीं कह सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कंडीशन है जहाँ पर टॉर्क अप्लाई करके आप किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट करते हैं, है ना। तो आप सिंपल वे में समझो ना, जहाँ आप फोर्स लगाओगे, ठीक ना, जहाँ अगर आप फोर्स लगाओगे तो फोर्स लगाने पर अगर वो ऑब्जेक्ट रोटेट करने लगा, इसका मतलब टॉर्क। एक चीज़ बताओ, हाँ ये देखो मेरे पास एक ब्रिक है, इट। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर सेंटर ऑफ मास पर फोर्स लगाते हैं, क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं। अब बताओ जब हम यहाँ पर फोर्स लगाएंगे तो क्या यहाँ पर टॉर्क हो रहा है, यहाँ पर हम कह सकते हैं क्या टॉर्क जनरेट होगा, नहीं होगा। फोर्स तो आप लगा रहे हो, फोर्स तो आप लगा रहे हो, लेकिन ये ऑब्जेक्ट रोटेट नहीं कर रहा है, ये इट रोटेट नहीं कर रहा है, इस ब्रिक में रोटेशन नहीं आई है, हम क्या कहेंगे, टॉर्क नहीं है इसमें, टॉर्क नहीं है। तो जब आप फोर्स लगाओगे और फोर्स लगाने पर अगर वो ऑब्जेक्ट रोटेट करने लगा, उस ऑब्जेक्ट में टर्निंग आ गई है, तब हम बोलेंगे टॉर्क, अगर नहीं टर्निंग आई है तो बोलेंगे टॉर्क नहीं है, सिंपल वे में समझो। ओके चलो इसे मिटाते हैं, मिटा दें, हाँ भाई मिटा दो, आपने तो बहुत सारा एग्जांपल दे दिए हैं, अब तो हमें बहुत ज़्यादा ही समझ में आ गया है, समझ में आएगा, ध्यान से पढ़ो। अच्छे खासा एग्जांपल दूंगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, और वीडियो को एंड तक देखो, है ना। आप CBSE बोर्ड से हो या फिर बिहार बोर्ड से, मुझे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन मेरा सिर्फ एक ही मोटिव है कि पढ़ाना बस। हाँ अब यहाँ पर देखो, अब रही बात, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं तो उस ऑब्जेक्ट के लोकेशन की बात करते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट है, मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट का एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, हम कहाँ पर फोर्स लगाएंगे कि ज़्यादा रोटेशन होगा, इसका मतलब ज़्यादा टर्निंग होगा। यहाँ पर भी फोर्स लगा सकते हैं, यहाँ पर भी फोर्स लगा सकते हैं, क्या हम यहाँ पर फोर्स लगा सकते हैं, क्या हम यहाँ पर फोर्स लगा सकते हैं इस डायरेक्शन में, इसी के बारे में बात करेंगे। ओके चलो यहाँ पर देखो, एक हम ये बनाते हैं, ये क्या बना रहे हैं सर आप, ये तो बेंजीन दिख रहा है, बिल्कुल बेंजीन है। जब हम केमिस्ट्री में बताएंगे तो बेंजीन, अगर हम फिजिक्स में बताएंगे तो देखो क्या है ये। हाँ सर ये तो आपने बहुत अच्छा ही बना लिया, क्या है ये, यही तो है रिंच, ये क्या है आपका रिंच है, क्या है रिंच है। अब एक चीज बता दो, ये क्या है आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्या है एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। ओके अब एक चीज बता दो, यहाँ पर देखो हम इस ऑब्जेक्ट के किस पोजीशन पर, किस लोकेशन पर हम फोर्स लगाएंगे
कि टर्निंग होगा इसका मतलब टॉर्क होगा और टॉर्क नहीं होगा इसके बारे में बात करेंगे। देखो अगर हम यहाँ पर फोर्स लगाएं, F1 फोर्स लगाएं अपवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में, तो क्या टॉर्क होगा, क्या टॉर्क जनरेट होगा? बिल्कुल होगा भाई, बिल्कुल होगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ध्यान से देखना, यही है ना, हमने क्या कहा, ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। जब आप फोर्स लगाओगे तो नट खुलेगा या फिर कसाएगा, इसका मतलब टॉर्क होगा, इसमें रोटेशन होगी, क्या होगी, इसमें रोटेशन होगी, इसमें टर्निंग आएगी, इसका मतलब ये टॉर्क जनरेट करेगा, करेगा ना। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ बताओ, हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी फोर्स लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं भाई, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी हम फोर्स लगा सकते हैं, ऊपर या फिर नीचे, फिर भी नट खुलेगा या फिर नट कसाएगा, है कि नहीं। अच्छा एक चीज़ बताओ, क्या हम यहाँ फोर्स लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। यहाँ पर अगर आप फोर्स आप लगाओगे फिर भी टॉर्क जनरेट होगा, यहाँ पर अगर आप फोर्स लगाओगे, यहाँ थ्री कर लेते हैं, यहाँ यहाँ पर अगर आप फोर्स लगाओगे फिर भी टॉर्क जनरेट होगा, होगा ना। अब एक चीज़ हमें बता दो, अगर हम यहाँ पर फोर्स लगाते हैं, यहाँ पर फोर्स लगाते हैं F5, क्या आप हमें बता दो, अगर हम यहाँ पर फोर्स लगाएंगे तो क्या ये F5 टॉर्क जनरेट करेगा या फिर नहीं करेगा? मेरा आंसर क्या है पता है? नहीं होगा, टॉर्क जनरेट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा आप समझो। अब एक चीज़ तुम ही बता दो मेरे भाई, ये क्या है, रिंच है। अब एक चीज़ देखो, अब तो ये क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है। हम यहाँ फोर्स लगाएंगे नट खुलेगा, यहाँ फोर्स लगाएंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में फिर भी नट खुलेगा, हम यहाँ भी फोर्स लगाएंगे फिर भी नट खुलेगा, यहाँ लगाएंगे फिर भी नट खुलेगा। अगर हम ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, अगर हम यहाँ पर फोर्स लगाएं तो क्या, देखो ये ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है नहीं कर रहा है? यहाँ पर अगर हम फोर्स लगाएंगे तो क्या ये ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है नहीं कर रहा है? कर रहा है नहीं कर रहा है, इसका मतलब F5 टॉर्क जनरेट नहीं करेगा, ठीक ना। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, टाओ F5 इक्वल टू जीरो। यहाँ पर टॉर्क क्या होगा, जीरो होगा। क्या होगा, टॉर्क जीरो का मतलब टर्निंग नहीं होगी, टर्निंग नहीं होगी, इसका मतलब टॉर्क जीरो। एक चीज़ बताओ, अगर हम यहाँ पर इस डायरेक्शन में, लेफ्ट साइड इस डायरेक्शन में अगर हम फोर्स लगाते हैं तो क्या, बताओ यहाँ पर टॉर्क जनरेट होगा? यहाँ भी नहीं होगा। अब एक चीज़ बता दो भाई, यहाँ पर भी क्या होगा, टॉर्क F6 इक्वल टू जीरो ही होगा। क्यों, समझो, ये देखो, हम ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हुआ, फोर्स लगाए, हाँ नीचे ठीक है भाई, यहाँ लगाएंगे तो टॉर्क जीरो। अब बताओ यहाँ पर अगर हम फोर्स लगाएंगे तो क्या नट खुलेगा? देखो खुलेगा नहीं खुलेगा, मतलब टर्निंग नहीं हो रही है, टर्निंग नहीं हो रही है, रोटेशन नहीं हो रही है, इसका मतलब टॉर्क जीरो। हाँ ये चीज़ तो हमने जान लिया कि कहाँ टॉर्क होगा और कहाँ टॉर्क नहीं होगा। तो दो कंडीशन में, अगर आप फोर्स एक्सिस ऑफ रोटेशन पर लगा रही हो, ये देखो है ना, एक्सिस ऑफ रोटेशन, अगर आप फोर्स एक्सिस ऑफ रोटेशन पर लगा रहे हो तो टॉर्क जीरो होगा। टॉर्क क्या होगा, जीरो होगा, पहली बात। दूसरी की बात, अगर आप फोर्स एक्सिस ऑफ रोटेशन की ओर लगा रहे हो तो टॉर्क क्या होगा, जीरो होगा। यहाँ पर जो हम फोर्स लगा रहे हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन की ओर लगा रहे हैं, देखो एक्सिस ऑफ रोटेशन की ओर फोर्स लगा रहे हैं तो टॉर्क क्या होगा, जीरो होगा। और तीसरी की बात आप ये भी जान लो, अगर आप फोर्स एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल लगा रहे हो फिर भी टॉर्क जीरो होगा, ठीक ना, टॉर्क क्या होगा, जीरो होगा। तो आपने ये जान लिया कि टॉर्क कहाँ जीरो होगा और टॉर्क कहाँ जीरो नहीं होगा। आप सिंपल वे में समझो, अगर आप फोर्स लगाओगे तो फोर्स जब उस ऑब्जेक्ट पर लगाओगे तो उस ऑब्जेक्ट में अगर टर्निंग आ रही है तो टॉर्क होगा, अगर टर्निंग नहीं आ रही है तो टॉर्क जीरो। ये चीज़ आपने जान लिया, चलो इसे तो अब मिटाते हैं, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है भाई, स्क्रीनशॉट ले लो।
हाँ, तो अब हम बात करते हैं टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है। टॉर्क का फॉर्मूला के ऊपर बात करेंगे। टाउ इक्वल टू आर इंटू एफ साइन थीटा, ये फॉर्मूला होता है। अब कहेंगे कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया है। कोई बात नहीं, मैं बताऊँगा कहाँ से आया है। यहाँ पर देखिए, हमें क्या करना है, एक रिंच बनाना है। क्या बनाना है, एक रिंच बनाना है। पहले तो हमें बनाना है बेंजीन, ये क्या है बेंजीन, और हमें फिर क्या बनाना है, रिंच बना लेना है। देखिए ये क्या है आपका, एक रिंच है। ओके, क्या है, रिंच है। और ये क्या है आपका, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, एक फोर्स लगाएंगे एंगल पर, इसे मानते हैं थीटा। क्या मानते हैं, थीटा मानते हैं। आप कहिएगा क्या हम एंगल पर भी फोर्स लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। आप कहिएगा हमें बताएं अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा सकते हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर भी फोर्स लगाए थे, एक्सिस ऑफ रोटेशन पर भी फोर्स लगाए थे, एक्सिस ऑफ रोटेशन की ओर फोर्स लगाए थे ना। अब एक चीज़ जानिए, हम एंगल पर भी फोर्स लगा सकते हैं। कहाँ लगा सकते हैं, एक एंगल पर भी फोर्स लगा सकते हैं। ये देखिए, हम तो अपवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाए, ठीक है, हम ऐसे भी तो फोर्स लगा सकते हैं, एक एंगल पर लगा सकते हैं ना। चलिए अब देखिए, एक्सिस ऑफ रोटेशन और जहाँ पर आप फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स हम यहाँ पर लगा रहे हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन और जहाँ पर आप फोर्स लगा रहे हैं उसके बीच के डिस्टेंस को मोमेंट आर्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मोमेंट आर्म कहा जाता है। और मोमेंट आर्म को हम आर से डिनोट करते हैं, या फिर आर से, या फिर कोई किताब डी से डिनोट करेगा। ओके, हमने क्या कहा, मोमेंट आर्म। तो हमने कहा एक्सिस ऑफ रोटेशन और जहां पर आप फोर्स लगा रहे हैं उसके बीच का डिस्टेंस क्या कहलाता है, मोमेंट आर्म कहलाता है। क्या कहलाता है, मोमेंट आर्म कहलाता है। और मोमेंट आर्म को हम आर से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे, आर से। कई टीचर डी भी लिखते हैं तो वो भी सही है, ठीक ना। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम क्या करते हैं, अब इस एंगल को हम थोड़ा आगे की ओर ले जाते हैं, ले गए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो कंपोनेंट बनेगा, एक वर्टिकली कंपोनेंट बनेगा। ये क्या है, वर्टिकली, और ये होता है आपका एफ साइन थीटा, और एक आपका बनेगा हॉरिजेंटली, ये होता है आपका एफ कॉस थीटा। समझ में आई बात, हमने क्या किया, एक एंगल पर, एक थीटा एंगल पर हमने फोर्स लगाया, इसको हमने आगे बढ़ा दिया, और एक आपका हॉरिजेंटली कंपोनेंट बनेगा और एक आपका वर्टिकली कंपोनेंट बनेगा। जो वर्टिकली कंपोनेंट बनता है वो होता है एफ साइन थीटा, और जो हॉरिजेंटली जो कंपोनेंट बनता है वो होता है आपका एफ कॉस थीटा। अब हमें क्या करना है, अब आपको बताना है हम एफ साइन थीटा टॉर्क जनरेट करेगा या फिर एफ कॉस थीटा टॉर्क जनरेट करेगा। मैंने क्या कहा आपको, एफ साइन थीटा टॉर्क जनरेट करेगा या फिर एफ कॉस थीटा टॉर्क जनरेट करेगा। तो एफ साइन थीटा टॉर्क जनरेट करेगा। अब एक चीज़ बताओ, ये क्या है, यहाँ पर हम फोर्स लगा रहे हैं, ऊपर की ओर फोर्स लगाएंगे तब जाकर नट खुलेगा या फिर नट कसाएगा, है कि नहीं। ऊपर की ओर फोर्स लगाएंगे, जब हम ऊपर की ओर फोर्स लगाएंगे, वर्टिकली फोर्स लगाएंगे, अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, इसका मतलब एफ साइन थीटा और एफ कॉस थीटा कोई टॉर्क जनरेट नहीं करेगा। एफ कॉस थीटा कोई टॉर्क जनरेट नहीं करेगा, प्रोड्यूस नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन की ओर फोर्स लग रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये टाउ इक्वल टू, ये क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन और यहाँ पर हम लगा रहे हैं फोर्स, इसके बीच का डिस्टेंस क्या होता है, आर होता है। और हमने फोर्स कहाँ लगा रहे हैं, वर्टिकली फोर्स लगा रहे हैं, है ना, अपवर्ड डायरेक्शन में, मतलब इनटू एफ साइन थीटा। कहाँ से आया फॉर्मूला, समझ में आ गया। ओके, अब एक चीज़ बताइए, यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं, नोट में नोट करके आप लिख सकते हैं, क्या करके, नोट करके आप लिख सकते हैं। देखिए,
लिख सकते हैं एफ कॉस थीटा डज नॉट प्रोड्यूस टॉर्क। एफ कॉस थीटा डज नॉट प्रोड्यूस टॉर्क बिकॉज इट पासिस थ्रू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक ना, तो एफ साइन थीटा टॉर्क जनरेट करेगा, एफ साइन थीटा टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। ठीक ना, एफ कॉस थीटा टॉर्क जनरेट नहीं करेगा। ठीक ना, तो यही लिखे हैं एफ कॉस थीटा डज नॉट प्रोड्यूस टॉर्क बिकॉज इट पासिस थ्रू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। हाँ, ये तो हमने समझ गया। अब देखिए एक और फॉर्मूला होता है, ये कहाँ से आया आपने समझ लिया, इसे मिटा देते हैं नीचे वाला। देखिए एक और फॉर्मूला होता है टाउ इक्वल टू आर इंटू एफ परपेंडिकुलर, ये फॉर्मूला। अब देखिएगा ये कहाँ से आया है, देखिए टाउ इक्वल टू ये रहा आपका आर, ये क्या है आर है ओके इंटू। अब यहाँ पर देखिए हम फोर्स लगा रहे हैं, कहाँ लगा रहे हैं, यहाँ पर फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं यहाँ पर, है ना। अब जब हम फोर्स जब यहाँ पर लगा रहे हैं तो ये एफ साइन थीटा परपेंडिकुलर है, क्या है परपेंडिकुलर है, किसके परपेंडिकुलर है, फोर्स के परपेंडिकुलर है, किसके परपेंडिकुलर है फोर्स के। तो हम ये भी लिख सकते हैं टाउ इक्वल टू आर इंटू एफ परपेंडिकुलर। अच्छा एक और फॉर्मूला होता है एफ इंटू आर परपेंडिकुलर, आप ये भी लिख सकते हो, आप ये भी लिख सकते हो जब आप इसे आर ऐसे मान लोगे आर तो। ठीक ना, तो तीन फॉर्मूला आपको याद रखना है, टाउ इक्वल टू आर इंटू एफ साइन थीटा, टाउ इक्वल टू आर इंटू एफ परपेंडिकुलर, या फिर टाउ इक्वल टू एफ इंटू आर परपेंडिकुलर। ये तीनों फॉर्मूला बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके चलिए इसे मिटाते हैं। हाँ समझ में आई बात आपको, समझ में आ गया सर। आर क्या है, मोमेंट आर्म है, क्या है मोमेंट आर्म है। चलो अब हम बात करते हैं टॉर्क किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है ना, टॉर्क किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। टॉर्क इज डिपेंडिंग ऑन, पहला फोर्स पर, टॉर्क फोर्स पर डिपेंड करता है। दूसरा का मोमेंट आर्म, मोमेंट आर मतलब आर पर डिपेंड करेगा। तीसरा का थीटा पर विच मीन्स एंगल पर डिपेंड करेगा। यहाँ पर देखो टॉर्क जो है फोर्स पर डिपेंड करता है, मोमेंट आर्म पर डिपेंड करता है और एंगल पर डिपेंड करता है। कैसे आओ समझते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। ये क्या है मेरे पास, मेरे पास डोर है, क्या है डोर है मेरे पास। ये क्या है भाई, एक्सिस ऑफ रोटेशन है, आप तो बता ही दिए हैं। हाँ और ये क्या है, हैंडल है। अब क्या होता है जब कभी आप घर में प्रवेश करते हो तो हैंडल पर आप फोर्स लगाते हो, तो मान लेते हैं आपने कितना फोर्स लगाया, 5 न्यूटन का फोर्स लगाया। जब आप 5 न्यूटन का फोर्स लगाइएगा और दरवाज़ा को प्रेम से खोलिएगा ना, जब आप 5 न्यूटन का फोर्स लगाइएगा तो दरवाज़ा रोटेट होगा, दरवाज़ा कुछ रोटेट होगा। अगर आप यहीं पर 10 न्यूटन का फोर्स लगाइएगा तो दरवाज़ा ज़्यादा रोटेट होगा, दरवाज़ा में ज़्यादा टर्निंग आ जाएगी, दरवाज़ा ज़्यादा रोटेट होगा। इसका मतलब टॉर्क जो है फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। फोर्स आप जितना ज़्यादा लगाओगे टॉर्क उतना ही ज़्यादा होगा, फोर्स आप जितना कम लगाओगे टॉर्क उतना ही कम होगा। समझ रहे हो, तो जब आप घर में प्रवेश करते हो तो आप नॉर्मली फोर्स लगा लेते हो, ठीक है भाई। जब कभी आप गुस्से में रहते हो तो ज़ोर से धक्का देते हो, हैंडल पर ज़्यादा फोर्स लगाते हो, जब आप हैंडल पर ज़्यादा फोर्स लगाओगे तो दरवाज़ा ज़्यादा रोटेट होगा। ज़्यादा रोटेट का मतलब क्या, टर्निंग ज़्यादा आ रही है, टॉर्क ज़्यादा हो रहा है ना, समझ रहे हो।
आप ऐसे समझो ना, चापाकल, चापाकल को जब आप एक हाथ से चलाओगे तो थोड़ा पानी निकलेगा, जब आप दोनों हाथ से चलाओगे आप ज़्यादा फोर्स लगा रहे हो, जब आप दोनों हाथ से चलाओगे तो पानी ज़्यादा निकलेगा, फोर्स जितना ज़्यादा टॉर्क उतना ही ज़्यादा। तो टाओ इक्वल टू सॉरी टाओ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं फोर्स के, फोर्स बढ़ाओगे तो टॉर्क बढ़ेगा, फोर्स घटाओगे तो टॉर्क घटेगा। पहली बात ये तो हमने देख लिया सर, आपने तो बता दिया। हाँ जी, हमें भी समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं मोमेंट आर्म। मोमेंट आर्म पर डिपेंड करता है या फिर नहीं करता है, देखो कैसे। हम पहले बनाते हैं व्यंजन, उसके बाद बना लेंगे रिंच। ये क्या है? रिंच है। क्या है? रिंच है। ये क्या है भाई? आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना। क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर फोर्स लगाते हैं, हम इस पॉइंट पर फोर्स लगाते हैं F1 अपवर्ड डायरेक्शन में, और ये क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन और यहाँ यहाँ के बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं, यहीं पर हम फोर्स लगा रहे हैं। अब हमें बता दो, क्या आप यहाँ पर अगर फोर्स लगाओगे तो आप ज़्यादा क्या करोगे? आप फोर्स लगाओगे। जब आप फोर्स लगाओगे अपवर्ड डायरेक्शन में तो ज़्यादा रोटेट होगा या फिर कम रोटेट होगा? और यहाँ अगर फोर्स लगाते हैं तो F2 यहाँ यहाँ और यहाँ का डिस्टेंस मान लेते हैं ये 30 सेंटीमीटर है, और फिर यहाँ और यहाँ का बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं 40 सेंटीमीटर है। समझना, हमने क्या कहा आपको? एक बार हम क्या करते हैं, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक्सिस ऑफ रोटेशन और यहाँ के बीच का डिस्टेंस क्या है? 30 सेंटीमीटर है। जब आप यहाँ फोर्स लगाओगे तो टॉर्क कम लगेगा, क्यों? क्योंकि आर्म मोमेंट आर्म क्या है? कम है, 30 सेंटीमीटर है। जब आप यहाँ पर फोर्स लगाओगे तो टर्निंग ज़्यादा होगा, टॉर्क ज़्यादा होगा, क्यों? क्योंकि मोमेंट आर्म कितना है? 40 सेंटीमीटर है। इसका मतलब लेंथ बढ़ाओगे, लेंथ जितना ज़्यादा होगा टर्निंग उतना ही ज़्यादा होगा, टॉर्क उतना ही ज़्यादा होगा, है ना? समझ में आई बात? इसका मतलब ये हुआ टाओ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। आर को अगर आप बढ़ाओगे तो टॉर्क भी बढ़ेगा, आर को घटा दोगे तो टॉर्क भी घट जाएगा। समझ रहे हो? देखो यहाँ ये देखो, एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये। हम क्या करते हैं, हम यहाँ फोर्स लगाते हैं। जब आप यहाँ फोर्स लगाओगे तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन और फोर्स लगा रहे हैं यहाँ, तो ये क्या है? आर क्या है? कम है। आर क्या है? कम है। तो यहाँ पर रोटेट कम होगा, रोटेट कम होगा, टर्निंग ज़्यादा होगा, इसका मतलब टॉर्क कम। अगर हम यहाँ पर फोर्स लगाएंगे, हम लेंथ को बढ़ा दिए, जब आप यहाँ फोर्स लगाओगे तो टर्निंग ज़्यादा होगा, टॉर्क ज़्यादा होगा, है ना? देखे हो ना, कई बार आप चक्का खोलते हो ना, या फिर आप साइकिल वाला मिस्त्री को देखो, वो यहाँ पकड़कर चक्का को नट को खोलेंगे, क्यों? क्योंकि वो क्या करते हैं, मोमेंट आर्म को बढ़ा देते हैं, मोमेंट आर्म को बढ़ाएंगे तो टर्निंग ज़्यादा होगा। यहाँ पर फोर्स कम एक्सपीरियंस करोगे, लेकिन यहाँ पर अगर आप फोर्स लगाते हो तो यहाँ पर आप ज़्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करोगे और यहाँ पर आप कम फोर्स एक्सपीरियंस करोगे। तो समझ में आ गया, आर बढ़ाओगे तो टॉर्क बढ़ेगा, आर घटाओगे तो टॉर्क घट जाएगा। इसीलिए तो आप देखो दरवाज़ा को, देखो दरवाज़ा को, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, हैंडल यहाँ पर लगाता है, हैंडल यहाँ पर क्यों लगाता है? क्योंकि आर क्या रहेगा? ज़्यादा। जब आर रहेगा ज़्यादा तो टर्निंग ज़्यादा होगा, रोटेट ज़्यादा होगा, टॉर्क ज़्यादा होगा। आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर बीच में कोई हैंडल नहीं लगाता है, बीच में हैंडल कोई नहीं लगाता है। क्यों नहीं लगाता है? क्योंकि उन्हें पता है अगर हम यहाँ पर हैंडल लगा देंगे तो आर घट जाएगा, जब आर घट जाएगा तो रोटेट होने में ज़्यादा दिक्कत होगी, हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, है ना? इसीलिए हैंडल यहाँ पर लगाया जाता है। हाँ सर, आपने ये भी बता दिया कि टॉर्क जो है फोर्स पर भी डिपेंड करता है और मोमेंट आर्म पर भी डिपेंड करता है। अब हमें बता दो कि ये थीटा पर कैसे डिपेंड करेगा।
ये थीटा पर कैसे डिपेंड करता है? सुनो, फॉर्मूला हम आपको क्या बताए हैं, टाउ इक्वल टू आर एफ साइन थीटा, ये फॉर्मूला बताए हैं ना। यहाँ पर देखो, अगर आप थीटा को मानो जीरो डिग्री, अगर आप थीटा ले लो जीरो डिग्री तो टॉर्क होगा जीरो डिग्री, सॉरी टॉर्क जीरो होगा। अगर आप थीटा लेते हो जीरो डिग्री तो टॉर्क क्या होगा? जीरो होगा। क्या होगा? टॉर्क जीरो होगा। यहाँ पर देखो, अब देखो साइन जीरो का मान कितना? जीरो। और जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? टॉर्क होगा जीरो। अगर आप थीटा 180 डिग्री लेते हो फिर भी टॉर्क क्या होगा? जीरो ही होगा, क्योंकि साइन 180 का मान जीरो, जब मल्टीप्लाई करोगे तो टॉर्क फिर भी आएगा जीरो। तो अगर आप थीटा जीरो लो या फिर थीटा 180 डिग्री लो, टॉर्क क्या आएगा? जीरो आएगा, है ना। एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल हो जाएगा, समझ रहे हो। हाँ, अगर हम थीटा लेते हैं 90 डिग्री, जब हम थीटा लेंगे 90 डिग्री तो साइन 90 डिग्री का मान कितना? एक। और जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? थीटा तब जीरो नहीं आएगा, सॉरी टॉर्क तब जीरो नहीं आएगा, समझ रहे हो, टॉर्क तब जीरो नहीं आएगा। अगर आप थीटा का वैल्यू 90 डिग्री लेते हो तो साइन 90 डिग्री का मान होता है एक, कितना होता है? एक होता है। और आर कुछ न कुछ लोगे तो मल्टीप्लाई करोगे तो टॉर्क जीरो तो नहीं आएगा, टॉर्क जीरो नहीं आएगा। तो उस टाइम अगर आप थीटा 90 डिग्री लेते हो तो टॉर्क मैक्सिमम होगा। क्या होगा? टॉर्क मैक्सिमम होगा, याद रखना, टॉर्क क्या होगा? मैक्सिमम होगा, समझ रहे हो। अगर हम आर जीरो ले तो, जब आप आर जीरो लोगे फिर भी तो टॉर्क क्या होगा? जीरो ही होगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देखो, ये थीटा पर कैसे डिपेंड करता है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो, हमने ये देख लिया, टॉर्क तीन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, फोर्स, मोमेंट आर्म और एंगल पर। अब हम बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ टॉर्क की। डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, दो बात। पहले तो हम क्लॉकवाइज और दूसरा का एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज देखो, घड़ी देखो, घड़ी क्लॉक 12, 3, 6 ने, और काटा होता है ना। अब देखो घड़ी कैसे चलता है, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। ये रहा आपका क्लॉकवाइज, ये क्या है? क्लॉकवाइज। घड़ी ऐसे कभी, घड़ी ऐसे नहीं चलता, घड़ी ऐसे नहीं चलता, याद रखना। घड़ी जब भी चलेगा तो क्लॉकवाइज, कैसे चलेगा? क्लॉकवाइज, ठीक है। अब यहाँ पर देखो घड़ी कैसे चलता है, क्लॉकवाइज। अब यहाँ पर देखो, अगर हम फोर्स लगाएंगे क्लॉकवाइज, अगर हम फोर्स लगाएंगे क्लॉकवाइज तो टॉर्क का डायरेक्शन क्या होगा? इनवर्ड होगा। क्या होगा? इनवर्ड। और साइन की बात करें, साइन कन्वेंशन की, तो निगेटिव होगा। अगर फोर्स हम लगाएंगे क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज तो टॉर्क का डायरेक्शन आउटवर्ड होगा। और साइन कन्वेंशन की बात करें तो साइन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। समझ में आई बात? कुछ दिमाग में गया? सुनो, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क की बात करें, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पर क्लॉकवाइज फोर्स लगा रहे हो, क्या लगा रहे हो? क्लॉकवाइज। जब आप क्लॉकवाइज फोर्स लगाओगे तो टॉर्क का डायरेक्शन इनवर्ड होगा, अंदर की ओर, और साइन क्या होगा आपका? निगेटिव होगा। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स एंटी क्लॉकवाइज लगा रहे हो, देखो एंटी क्लॉकवाइज लगा रहे हो, तो टॉर्क का डायरेक्शन आउटवर्ड होगा। क्या होगा? आउटवर्ड होगा। और साइन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। समझ में आई बात? आओ इसे समझाते हैं। ये मेरे पास पेचकस है, क्या है? मेरे पास पेचकस है। और मान लो ये क्या है? पेच है। आप पेच कैसे कसते हो बताओ?
पेच कसते हो ना, कैसे हम क्या करते हैं इसे रोटेट करते हैं क्लॉकवाइज। देखो क्लॉकवाइज, जब हम क्लॉकवाइज फोर्स लगा रहे हैं, जब हम क्लॉकवाइज फोर्स लगाएंगे तो पेच जाएगा अंदर, मतलब टॉर्क का डायरेक्शन इनवर्ड। जब इनवर्ड होगा तो क्या होगा, निगेटिव होगा। अब मान लो कि पेच कसा हुआ है, पेच कसा हुआ है, अब उसे खोलना है। जब आप खोलते हो तो क्या करते हो, उल्टा घुमाते हो, एंटी क्लॉकवाइज। जब आप एंटी क्लॉकवाइज फोर्स लगाओगे तो क्या होगा, पेच बाहर आएगा। क्या होगा, पेच बाहर आएगा, तो टॉर्क का डायरेक्शन आउटवर्ड होगा और पॉजिटिव होगा। सिंपल वे में समझ सकते हो। हाँ, तो ये रहा आपका डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, ठीक ना। चलिए और कुछ बचा है टॉर्क के बारे में। हाँ, बचा हुआ है ना वेक्टर फॉर्म ऑफ टॉर्क, वो भी बता देते हैं। अब हम बात करते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ टॉर्क। वेक्टर फॉर्म ऑफ टॉर्क, टॉर्क क्या है, टॉर्क आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है। टाउ वेक्टर इक्वल टू आर, आर वेक्टर इनटू एफ वेक्टर, बात खत्म हो गया लोग। ये क्या है, वेक्टर फॉर्म ऑफ टॉर्क है, ठीक ना। अच्छा, इसके यूनिट भी होता है, बिल्कुल होता है। यूनिट की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, टाव इक्वल टू होता है आर इंटू एफ, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ इंटू आर लिख ही सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक ना। तो देखो टाव इक्वल टू एफ इंटू आर। अब एक चीज़ बताओ, एफ क्या है, फोर्स है, फोर्स का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। ये आर क्या है, डिस्टेंस, इसका मात्रक मीटर, न्यूटन मीटर, बात खत्म। डायमेंशन देखो, अब ये क्या है, न्यूटन है, क्या है, न्यूटन है, किसका मात्रक है, फोर्स का। तो फोर्स का आप याद करो डायमेंशन क्या होता है, एम एल टी माइनस टू। और ये क्या है, मीटर, मीटर किसका यूनिट है, लेंथ का, और लेंथ का डायमेंशन एल होता है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। लो डायमेंशन भी निकल गया। तो आपने सीखा भाई टॉर्क क्या है, टॉर्क का एग्जांपल बता दिए, वेक्टर फॉर्म ऑफ टॉर्क बता दिए, टॉर्क का डायमेंशन, टॉर्क का यूनिट, बहुत सारे एग्जांपल्स, फॉर्मूला वगैरह, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।